वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, दिस इज मधुलिका रॉय, हेड डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट डीटीपीजी कॉलेज उदयपुर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, जो आपके सेकेंड सेमेस्टर की थर्ड यूनिट में है। इसे समझने के लिए, न्यूक्लिक एसिड आप जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स कौन कौन है, पर उसके पहले आपको मैं एक वर्ड बताना चाहती हूँ, मेटाबॉलिज्म। कि आप जानते हैं लेकिन फिर भी हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। मेटाबॉलिज्म हैज बीन मेड अप ऑफ इज बीन मेटाबॉलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेक डाउन प्रोसेस वेयर एनर्जी इज लिबरेटेड एंड वेयर इज सिंथेसिस। सिंथेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म, जैसा कि आप जानते हैं कि दो शब्दों से बना है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन प्रोसेस होती है और इसकी वजह से एनर्जी निकलती है। तो कॉम्प्लेक्स लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स इत्यादि, ये सब टूटते हैं। और एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एट्सेट्रा, ये मिलकर कॉम्प्लेक्स मैक्रोमोलिक्यूलर कंपाउंड्स बनाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स। ये केमिकल रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर एनर्जी देने के लिए होती है और ये टिश्यूज और ऑर्गन्स में होती है। आप स्ट्रक्चर देखिए, पहला न्यूक्लिक एसिड मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो है डीएनए। इट इज़ अ कलरफुल पिक्चर ऑफ डीएनए। आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, फॉस्फेट है, शुगर मॉलिक्यूल है। न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। DNA is deoxyribonucleic acid and RNA is ribonucleic acid. They are formed when nucleotides come together through phosphodiester linkages between 5 and 3 carbon atoms. अभी कौन से आप लगातार चित्रों में देखेंगे कि कौन सा है 5 carbon atom, कौन सा है 3 carbon atom. तो दे आर कंपोज ऑफ मोनोमियर्स विच आर न्यूक्लियोटाइड्स मेड ऑफ थ्री कंपोनेंट्स, अ 5 कार्बन शुगर यानी पेंटोज शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजिनस बेस। ये मॉलिक्यूल्स लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, these molecules are composed of long strands of nucleotides held together by covalent bonds. ये जो nucleotides हैं बहुत लंबे लंबे molecules हैं और आपस में एक दूसरे से covalent bonds के द्वारा जुड़े हुए हैं। Nucleic acids can be found within the nucleus and cytoplasm of cells. Generally, nucleic acids nucleus के अंदर ही पाए जाते हैं, but in prokaryotes it is present in the protoplasm. और कई बार न्यूक्लिक एसिड्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, जैसे आरएनए तो साइटोप्लाज्म में मिलता है। न्यूक्लिक एसिड्स आर आरएनए एंड डीएनए। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस बाय विच न्यूक्लिक एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड एंड डिग्रेडेड। हम पहले बात कर चुके हैं कि मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन और सिंथेसिस दोनों प्रोसेसेस को मिलाकर बनता है। Nucleic acids are polymers of nucleotides. They are nucleotide synthesis and anabolic mechanism. Synthesis hai to zahir hai ye kaisa hai, anabolic mechanism hoga. Generally involving the chemical reaction of phosphate, pentose sugar and nitrogenous bases. Destruction of nucleic acid is catabolic reaction. Hum pehle bhi ye baat kar chuke hain, koi cheez tootti hai to wo catabolic reaction hoti hai. Functions of nucleic acids. Nucleic acids इतने important क्यों हैं? Because these macromolecules contain genetic information in it. ये विशेष प्रकार की सूचनाओं को अपने अंदर रखते हैं जो वो पीढ़ी दर पीढ़ी transmit करते चलते हैं. Segment of DNA is gene which contains all the necessary genetic information. ये बात मैंने अभी आपको बताई कि DNA का एक सेगमेंट जीन है
और इस जीन में समस्त जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनकोडेड है जो समय के साथ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के प्रोटीन सिंथेसिस के रूप में प्रोड्यूस होंगे या एक्सप्रेस होंगे कहना चाहिए। और यही डीएनए, यही जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होता है। आरएनए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस बाय द कोड्स एनकोडेड इन जीन बाय डीकोडिंग इट थ्रू टीआरएनए। मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक कोड। अभी आप सब्सिक्वेंटली कई चित्रों में देखने वाले हैं कि सेंट्रल डॉग्मा क्या है, किस तरह से जीन ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए बनाता है जिसमें कि जेनेटिक कोड है, और उसे टीआरएनए ट्रांसलेट करता है और ट्रांसलेशन की वजह से पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है जो प्रोटीन बनाएगी। डिफरेंट क्लासेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए में थोड़ा अंतर तो पाया जाता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर भी हो सकते हैं, इनके कई फॉर्म हैं जैसे ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए एटसेट्रा। इसी तरह से राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए भी कई तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए। इट इज़ द बेसिस फॉर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम एक्चुअली प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है और राइबोसोमल आरएनए इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। मैसेंजर आरएनए इट कैरीज मैसेजेस फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो इनमें जो ट्रिपलेट कोडॉन है वो मैसेंजर आरएनए में ही स्थित हैं जो कि ट्रांसक्राइब हुआ है डीएनए के जीन सेगमेंट से। टीआरएनए ये सॉल्यूबल आरएनए भी है, ये स्मॉलेस्ट भी है और ये ट्रांसलेटर भी कहलाता है और ये डिकोड करता है इंफॉर्मेशंस को जो मैसेंजर आरएनए के पास हैं और इस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी छोटे तरह के आरएनएज हैं जैसे स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए, स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनएज और वायरल आरएनए। ये देखिए, ये है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा मतलब जो डीएनए है। डीएनए क्या है? एक्चुअली इट इज़ अ जेनेटिक मटीरियल जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कुछ जीन्स में अपने अंदर स्टोर किए हुए है। ये ट्रांसक्राइब होता है और ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनते हैं जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जीन से लेकर राइबोसोम में ले जाएगा और इससे प्रोटीन बनेगा। लेकिन मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक कोड होते हुए भी उसे ये नहीं मालूम है कि ये क्या है, उसे ट्रांसलेट करता है टीआरएनए। तो इट इज एन अडॉप्टर मॉलिक्यूल। ये इंफॉर्मेशंस को मैसेंजर आरएनए से लेकर अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस जो मैसेंजर आरएनए के ऊपर हैं ट्रिपलेट कोडॉन्स के रूप में, उन्हें वो ट्रांसलेट करता है। और राइबोसोमल आरएनए वो राइबोसोम का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। तो जिस टीआरएनए ट्रांसलेशन किया उसके बाद बनती है प्रोटीन्स। तो ये है सेंट्रल डॉग्मा। डीएनए डीएनए से बना, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा आरएनए बना और आरएनए में ट्रांसलेशन की प्रक्रिया हुई टीआरएनए के द्वारा, और प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी में ना केवल न्यूक्लियस से ये स्टार्ट होकर मैसेंजर आरएनए निकलकर साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में ही राइबोसोम है, वहाँ पर ये राइबोसोम के साथ जुड़कर कई पॉलीराइबोसोम्स बनेंगे और राइबोसोम में ही टीआरएनए अपना कार्य संपन्न करता है यानी ट्रांसलेशन का, और जो पेप्टाइड्स बने वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाकर स्टोर हो जाते हैं। तो दिस इज सेंट्रल डॉग्मा। नाउ यू कैन सी मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। In this process, nucleic acids are synthesized and degraded. Nucleic acid banenge bhi aur tootenge bhi. Actually, nucleic acids nucleotides ke bane hain, jo ki do tarah ke hain, purines hain aur pyrimidines hain. The metabolic pathways are involved in biosynthesis, catabolism, salvage.
आपको बायोसिंथेसिस तो मालूम है कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म भी आपको मालूम है कि ये डिग्रेडेशन की प्रोसेस है, पर शायद आपको ये नहीं मालूम कि साल्वेज क्या है। मालूम भी होगा तो मैं दोहरा देती हूँ एक बार, साल्वेज में नष्ट हुए इन्फॉर्मेशन को रिस्टोर करने की प्रक्रिया होती है, यानी किसी संकट की घड़ी में सैल्वेज किया जाता है, यानी उसे उस कष्ट से, नष्ट हुए इन्फॉर्मेशन से उबारने की कोशिश की जाती है, क्षतिपूर्ति की जाती है। तो आप देखिए सेल स्वयं सक्षम है, मेटाबॉलिज्म में बायोसिंथेसिस कर रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, और सैल्वेज मैकेनिज्म के द्वारा या सैल्वेज पाथवे के द्वारा आप देखेंगे कि किस तरह से प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स सिंथेसाइज होते हैं। मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में कॉज सेवरल डिसऑर्डर्स, यानी मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस में कॉज सेवरल डिसऑर्डर्स। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस क्या है? तो आप जानते हैं कि प्यूरिन दो तरह के हैं, एडेनिन और ग्वानिन, पिरामिडिन भी दो तरह के हैं डीएनए में, थायमिन साइटोसिन, और आरएनए में भी दो ही तरह के हैं, थायमिन की जगह यहाँ पाया जाता है यूरेसिल। तो आरएनए में है साइटोसिन एंड यूरेसिल, डीएनए में है थायमिन एंड साइटोसिन। यहाँ पर पेयरिंग जो होती है ए टी से पेयरिंग करता है, यानी एडेनिन पेयर्स विद थायमिन एंड ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन। और जब आरएनए की बारी आती है तो आरएनए एडेनिन यूरेसिल के साथ पेयरिंग करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर स्टोरेज हाउस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दे स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दे कैरी एनर्जी मॉलिक्यूल्स, दैट इज एटीपी एंड जीटीपी। कंपोनेंट्स ऑफ कोएंजाइम्स आर लाइक एनएडी एंड एफएडी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन का काम करता है, यानी ये सेकंड मैसेंजर की तरह बिहेव करेगा, साइक्लिक एमपी एंड साइक्लिक जीएमपी सेकंड मैसेंजर्स हैं। आपने हार्मोन सिस्टम में पढ़ा होगा कि हार्मोन एक्शन कैसे करता है, तो सेकंड मैसेंजर्स के थ्रू एक्ट करता है, वहीं आपको सिग्नल ट्रांसडक्शन पढ़ने को मिलेगा। सीटीपी ड्राइव्स लाइपिड सिंथेसिस, सीटीपी यानी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये लाइपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, एंड यूटीपी यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट ड्राइव्स कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड? पेंटोस शुगर जब किसी नाइट्रोजिनस बेस के साथ जुड़ा है तो वो है न्यूक्लियोसाइड। ये नाइट्रोजिनस बेस प्यूरिन भी हो सकती है और पिरामिडिन भी हो सकती है। और अगला पॉइंट देखिए, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट जुड़कर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है? पेंटोस शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, और पेंटोस शुगर, नाइट्रोजिनस बेस एंड फॉस्फेट्स टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियोटाइड्स, और कई न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट देखिए, डीएनए में है नाइट्रोजिनस बेसिस थायमिन और शुगर डीऑक्सीराइबोज। यहाँ पर आप देखिए तीन नंबर कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ये है डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर। देन कम्स डीएनए और आरएनए, दोनों में आप देखिए यहाँ बेसिस हैं एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, यानी डीएनए में भी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन मिलेगा और आरएनए में भी ये तीनों मिलेंगे। अब आरएनए में आपको यूरेसिल मिलेगा, यानी थायमिन नहीं मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। फॉस्फेट रेडिकल की रचना आप देखिए, और राइबोस शुगर में आप देखिए दोनों कार्बन एटम्स पर ऑक्सीजन उपस्थित है, इसलिए ये है राइबोस शुगर। डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, किस तरह से डिग्रेड होगा ये? डीएनए आरएनए टूटेंगे तो बनेंगे न्यूक्लियोटाइड्स, और ये न्यूक्लियोटाइड्स
फिर साल्वेज प्रक्रिया से और इंटरसेल्युलर ट्रांसपोर्ट के द्वारा बनाएंगे न्यूक्लियोसाइट्स। ये न्यूक्लियोसाइट्स बनाएंगे इंडिविजुअल बेसिस और फाइनली यू विल फाइंड द एंड प्रोडक्ट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड इसका एंड प्रोडक्ट होता है एंड इट इज़ नॉट अ वेरी गुड कंपाउंड टू बी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो ये एक्सक्रीटरी मैटर है। नाउ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड। ये हमने बात की है नाइट्रोजिनस बेसिस और पेंटोज शुगर बना रहे हैं न्यूक्लियोसाइड, और नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट रेडिकल मिलकर बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड। ये इसका एक इलस्ट्रेशन है। इसे और फॉर्मूले के साथ आपको विस्तृत तौर पर समझाने की कोशिश की गई है। आपने बनाया ट्राई डाई मोनोफॉस्फेट और ये जुड़ा है पेंटोज शुगर के साथ। पेंटोज शुगर के साथ जब नाइट्रोजिनस बेस भी जुड़ा हुआ है तो ये तीनों ने मिलकर बनाया है न्यूक्लियोटाइड। लेकिन जब पेंटोज शुगर और कोई नाइट्रोजिनस बेस जुड़ा हुआ है तो ये है न्यूक्लियोसाइड। हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसको आपको समझाने के लिए कुछ केमिकल फॉर्मूले इसमें दिए गए हैं। आपसे जितना बनेगा आप उतना इसको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। प्यूरिन और पिरामिडिन का केमिकल फॉर्मूला ये आप देखिए, डबल है हाइड्रोकार्बन्स डबल जुड़े हुए हैं, एडिनिन और ग्वानिन, और पिरामिडिन में आपको हाइड्रोकार्बन की सिंगल, आपको सिंगल मॉलिक्यूल दिख रहा है। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉर्म डीनोवो। डीनोवो मतलब अपने आप बनता है। डीनोवो एक फ्रेंच शब्द है। डीनोवो का अर्थ होता है अपने आप बनना। इनिशियली प्यूरिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड एज फ्री बेसिस। पहले प्यूरिन डेरिवेटिव आईएमपी यानी आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट बनता है। प्यूरिन बेस इसमें हाइपोजैंथीन है। एएमपी एंड जीएमपी आर फॉर्म्ड फ्रॉम आईएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिन मोनोफॉस्फेट आइनोसिन मोनोफॉस्फेट के द्वारा बनता है। पाथवेज ऑफ प्यूरिन सिंथेसिस, इसके दो पाथवे हैं। मेजर पाथवे है डीनोवो और माइनर पाथवे है साल्वेज पाथवे। प्यूरिन कैन बी सिंथेसाइज्ड इन मेनी टिश्यूज ऑफ द बॉडी लाइक लिवर, सब सेल्यूलर साइट, साइटोप्लाज्म। प्यूरिन सिंथेसिस कैन अकर from many small molecules derived from various metabolic activities as intermediates. शरीर में metabolic activities होती रहती हैं। small molecules are formed जैसे carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus, etc. etc. तो ये molecules synthesis के लिए बहुत आवश्यक हैं। hypoxanthine का formula note कीजिए। आइनोसिन मोनोफॉस्फेट देखिए, राइबोज 5P PRPP सिंथेटेज के द्वारा PRPP बनाएगा। ग्लूटामाइन PRPP अमाइड्रो ट्रांसफरेज एंजाइम है, ये बनाएगा 5PR अमाइन। रिक्वायर्ड ग्लाइसिन, एस्पार्टेट, THF, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्लूटामिन, ये बना रहा है IMP। IMP टूटा है AMP और GMP में। यहाँ पर आइनोसाइन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मूला भी दिया गया है। तो प्यूरिन कैटाबॉलिज्म एंड साल्वेज, ऑल प्यूरिन डिग्रेडेशन लीड्स टू यूरिक एसिड फॉर्मेशन। हमने पहले ही देखा कि इसका एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। इंजेस्टेड न्यूक्लिक एसिड्स आर डाइजेस्टेड टू न्यूक्लियोटाइड्स बाय पैंक्रियाटिक न्यूक्लियेसेस। आप जानते हैं कोई भी सब्सटेंस जब या कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब डाइजेस्ट होता है तो सब्सट्रेट के ऊपर
एंजाइम की एक्टिविटी होती है, चूँकि न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना है तो एंजाइम कौन सा होगा, न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस पैंक्रियाज में उपस्थित है। इंटेस्टाइनल फॉस्फोडाइस्टरेज आर देयर टू डाइजेस्ट प्यूरिन्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर डिग्रेडेड टू न्यूक्लियोसाइड्स बाय स्पेसिफिक फॉस्फोडाइस्टरेज एंड नॉन स्पेसिफिक फॉस्फोफॉस्फेटेज। न्यूक्लियोसाइड्स आर डायरेक्टली एब्सॉर्ब्ड। मोस्ट इंजेस्टेड न्यूक्लिक एसिड्स आर डिग्रेडेड एंड एक्सक्रीटेड आउट। ज़्यादातर न्यूक्लिक एसिड्स डिग्रेड होते हैं और एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्टली ब्लड के द्वारा सेल्स में एब्सॉर्ब हो जाते हैं। अगर प्यूरिन मेटाबॉलिज्म सही नहीं हुआ तो कई तरह के डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे गाउट, गाउट गठियाबाद जिसे आप कहते हैं, इन्फेंटाइल ऑटिज्म। ऑटिज्म एक तरह की इस तरह की बीमारी है जिसमें अक्षरों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। इम्यूनो डेफिशिएंसी एसोसिएटेड विथ प्रोटीन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, यानी डेफिशियंस इम्यून सिस्टम प्रभावित होता है। लेश नाइहन सिंड्रोम, पायरिमिडिन कैटाबॉलिज्म। अब दूसरा न्यूक्लियोटाइड है पिरिमिडिन, ये डिग्रेड होगा कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया में। नाइट्रोजनस बेस है पिरिमिडिन, सॉरी ये नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पिरामिडीन्स हैं। प्यूरिन हम देख चुके हैं, पिरामिडीन्स को देखते हैं। ये टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया में, तो प्यूरिन ने क्या बनाया था, यूरिक एसिड, और पिरामिडीन बना रहा है यूरिया। साइटोसिन कैन बी ब्रोकन डाउन टू यूरेसिल विच कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन टू एन कार्बामायोल कार्बामोइल बी एलेनिन एंड देन टू बीटा एलेनिन कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया बाई बीटा यूरिडियो प्रोपियोनेजेस। थायमिन इज ब्रोकन डाउन इंटू बीटा अमाइनो आइसोब्यूटायरेट विच कैन बी फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू इंटरमीडिएट्स इवेंचुअली लीडिंग इंटू द लीडिंग टू ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, यानी थायमिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट क्रेब्स साइकिल में प्रवेश करेगा। तो चूंकि कैटाबॉलिज्म है तो एनर्जी देगा, और क्रेब्स साइकिल इज नोन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। बीटा अमाइनो आइसोब्यूटायरेट एक्ट्स एज रफ इंडिकेटर फॉर रेट ऑफ डीएनए टर्नओवर। रेगुलेशंस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस। अभी आपने ब्रेकडाउन देखा, नाउ सी सिंथेसिस। पिरिमिडिन बायोसिंथेसिस अकर्स बोथ इन द बॉडी एंड थ्रू ऑर्गेनिक सिंथेसिस। Through negative feedback inhibition, the end products UTP and UDP prevent the enzyme CAD from catalyzing the reaction in animals. Conversely, PRPP, phosphoribosyl pyrophosphate and ATP act as positive effectors that enhance the enzyme's activity. Disorders of pyrimidine metabolism. ओरोटिक एसिड्यूरिया, ये एक रेयर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जहाँ ओरोटिक एसिड यूरिन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। राइज सिंड्रोम या रेइज सिंड्रोम, इट इज सेकेंडरी ओरोटिक एसिड्यूरिया। सो आई हैव टेकन सेवरल पॉइंट्स फॉर यू। द बुक्स यू कैन कंसल्ट इज सेल बायोलॉजी बाय डी रॉबर्टिस, सेल बायोलॉजी बाय लार्डिश बाल्टीमोर एंड डार्नल ऑफ कोर्स, ये तीन लेखक हैं। और फिगर्स के सोर्सेज एज यूजुअल विकिपीडिया एंड पिंटरेस्ट से लिए गए हैं, थैंक्स टू सोर्सेज ऑफ फिगर्स। थैंक यू सो मच।